नागपुर महानगर पालिका स्टेशनरी घोटाले में सदर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की शुरुआत करते ही घोटाले से जुड़े अधिकारी तथा पदाधिकारियों में खलबली मच गई। गिरफ्तार आरोपी अतुल मनोहर साकोड़े तथा कोलबा जनार्दन साकोड़े है। ज्ञात है कि सदर पुलिस बुधवार रात कोलबा साकोड़े, उनकी पत्नी सुषमा साकोड़े, अतुल साकोड़े तथा मनोहर साकोड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी संजय चिलकर की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। आरोपी ने 7 अक्टूबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के दौरान स्टेशनरी की आपूर्ति किए बगैर फर्जी बिल तैयार किए। आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपियों का कहना है कि घोटाले में मनपा के ही कर्मचारी लिप्त हैं। उक्त कर्मियों ने उनसे फर्जी बिल हासिल किए थे। बिल की राशि अपने आरोपियों के खाते में जमा कर उन्होंने मनपा कर्मियों से स्टेशनरी की आपूर्ति किए बगैर ही भुगतान होने को लेकर सवाल किए। मनपा कर्मियों ने उन्हें इस सिस्टम हिस्सा बताते हुए शांत रहने की नसीहत दी थी। मनपा के आरोग्य अधिकारी श्री डॉक्टर श्री संजय दादाराव चिलकर यांनी पोलीस स्टेशनला एक तक्रार अर्ज दिलेला होता। त्याच्यामध्ये त्या तक्रार अर्जाप्रमाणे आरोपींचे मेसर्स सुदर्शन पेपर कन्वर्टिंग नागपूर, मेसर्स मनोहर साकोडे ब्रदर्स नागपूर, मेसर्स स्वस्तिक ट्रेड लिंक नागपूर आणि मेसर्स गुरुकृपा स्टेशनर्स प्रिंटर्स, मेसर्स एस के एंटरप्राइजेस नागपूर असे फर्म आहेत। आणि या फर्मला NMC नागपूरकडून स्टेशनरी सप्लायचे टेंडर देण्यात आलेले होते आणि त्या आधारे आरोपींनी बोगस कागदपत्रे तयार केली, बोगस बिले तयार केली, बोगस निवेदनं तयार केली आणि त्यांनी बिले NMC डिपार्टमेंटला मंजुरीकरता पाठवले आणि ते मंजुरी डिपार्ट NMC कडून ते मंजूर करण्यात आले। आणि आरोपींनी 67,08,630 रुपये रकमेचा तिथून उचल केलेला आहे। नंतर NMC च्या लक्षात ही बाब आल्याने त्यांनी पोलिसांना तक्रार अर्ज दिलेला आहे। आम्ही त्याच्यामध्ये चौकशी केलेली आहे आणि चौकशी करून आम्ही 420, 462, 468, 471, 34 भाजीप्रमाणे आम्ही गुन्हा नोंद केलेला आहे।